अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइबर। मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 62, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है उस्मान यूनस का। हाशिम भाई, मैंने ट्रेवल हिस्ट्री पे वर्क किया है, मैं टर्की और शेंजन स्टेट होके आया हूं, मेरा पहला रिफ्यूजल है यूएसए के वीजे का, तो उसे मेंशन करूं अप्लाई करते वक्त और होटल बुकिंग पेड लगाऊं या पे एट प्रॉपर्टी लगाऊं? फाइव आइज कंट्रीज, दोबारा बता रहा हूं, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, इनको बोलते हैं फाइव आइज कंट्रीज। इनका सिक्योरिटी का सिस्टम एक है, ये डाटा शेयरिंग भी करते हैं। अगर किसी एक में रिफ्यूजल आया है और फिर आप किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो पिछले कंट्री का रिफ्यूजल छुपाते हैं तो उनको पता चल जाता है और आपकी रिफ्यूजल लेटर में ये लिख देते हैं कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसकी वजह से फिर आप दोबारा अप्लाई जब करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दोबारा फिर अप्रूवल के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए जो आपकी रिफ्यूजल आई है उसको छुपाना नहीं है। दूसरा, आप जो बुकिंग करनी है वो पे एट दी प्रॉपर्टी लगाओ, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमतुल्ला का। भाई, टैक्स रिटर्न कितने साल की देनी है फॉर विजिट वीजा? टैक्स रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप एक साल की लगाएं, दो साल की लगाएं, तीन साल की लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा टैक्स रिटर्न्स लगाएंगे उतना आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रेंथन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कैनेडा वीजा वॉज रिफ्यूज, रीजन गिवन माई फाइनेंशियल फंड एसेट्स इनसफिशेंट, दो माई बैंक स्टेटमेंट वॉज 13 मिलियंस, वट डू यू थिंक, वट वेंट रॉन्ग? बहुत सारी रीजन्स हो सकती हैं। ये जो 13 मिलियंस आप बता रहे हैं, ये आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जिससे ये साबित हो कि ये 13 मिलियंस आपके ही हैं? दूसरी रीजन ये हो सकती है कि फर्ज करें आपने साबित कर दिया है कि ये 13 मिलियंस आपके हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद आप 4 महीने की स्टेटमेंट के अंदर ये शो ही नहीं हो रहा, आप खर्च ही नहीं कुछ कर रहे, यानी कि पैसे होल्ड करके आप बैठे हुए हैं। ये जितनी ज्यादा आपके अकाउंट में पैसे हैं उतना ज्यादा आपने खर्च भी करना है ना, तो अगर होल्ड करके बैठेंगे तो नेचुरल स्टेटमेंट नहीं लगेगी। अरेबी फूड का क्वेश्चन है, ब्रो क्या डॉक्यूमेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराना लाजमी है, क्या प्लीज बताएं? आई हैव रेड सील एग्जाम इन अप्रैल, आई वांट अप्लाई माई वीजा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो वेरीफाई करवाते हैं या टेस्ट करवाते हैं वो एनओसी लेटर होता है और दूसरा सैलरी सर्टिफिकेट, ये बात हो रही है सऊदी अरेबिया से। तो दो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये टेस्ट करवाना, वेरीफाई करवाना, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी से जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं आपने या आपकी जो सैलरी है वो आपको लगता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ मेरी कमजोरी है, तो फिर अगर आप ये करवाएं, ताकि ये करवाने से आपकी जो फाइल है वो मजीद स्ट्रेंथन हो जाएगी, आपके जो एनओसी लेटर है और दूसरा जो सैलरी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर एक मजीद दो ठप्पे लग जाएंगे, एक तो ठप्पा ऑलरेडी जो आपने कंपनी से लगवाया हुआ है, दूसरा ये गवर्नमेंट का भी लग जाएगा, तो आपकी प्रोफाइल जो है बेहतर हो जाएगी। बिंदु बिश्नोई का क्वेश्चन है, भैया जी मैं कनाडा आ रही हूं तो वहां पे खाने पीने और रहने की कोई दिक्कत नहीं आती, क्या प्लीज बताना? भैया जी घर रेंट पे मिल जाता है और क्या लड़कियों के लिए जॉब मिल जाती है क्या? बहुत सारे आपने क्वेश्चंस किए हैं। खाने पीने की पहले बात मैं कर लेता हूं, अगर आप मिसिसागा आ रही हैं तो उधर आपको अच्छे खाने मिल जाए, इसके ऊपर भी मैं एक डॉक्यूमेंट्री बहुत जल्द बनाऊंगा। मैं कनाडा के डिफरेंट सिटीज में रहा हूं और मुझे जो मिसिसागा ना सबसे बेटर लगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आ रही हैं, मिसिसागा में आए, ब्रैम्पटन में आए, सरी में आए, कुछ ऐसे सिटीज हैं जहां पे आपको खाने पीने की, यानी कि अगर आप हलाल फूड खाना चाह रहे हैं या एशियन फूड खाना चाह रहे हैं तो आपको ये थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा सिटी बेटर है। और रहने की बात, रहने के लिए booking.com सर्च करें, Airbnb सर्च करें, फेसबुक पे जाके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया इन वैनकूवर, अगर वैनकूवर जा रहे हैं तो इंडिया इन वैनकूवर का ग्रुप होगा, इंडिया इन ब्रैम्पटन होगा, इंडिया इन मिसिसागा, तो फेसबुक के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, Airbnb, booking.com, फेसबुक, डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट ग्रुप्स और मार्केट प्लेस से भी आप सर्च कर सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब मिल जाती है इधर रेस्टोरेंट्स में भी लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे काम, तो जॉब का कोई इशू नहीं है,
सिर्फ जॉब सर्चिंग स्किल्स होनी चाहिए और आपके अंदर भी कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल ही फ्लैट माइंड हो करके आपने यहाँ पे नहीं आना, कुछ ना कुछ आपके अपने अंदर स्किल्स लेके आनी है। अगर स्किल्स लेके आएंगे तो फिर जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा अहमद शरीफ का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। माय क्वेश्चन इज विजिट वीजा पे ट्रक का लाइसेंस लेकर जॉब मिलने के कितने चेंजेस नहीं चांसेस, यार ये एग्जैक्ट प्रॉपर लफ्ज लिखा करें, कितने चांसेस हैं विदाउट मनी। यार विदाउट मनी जॉब मिल जाती है, ट्रक की जॉब मिल जाती है, इसका कोई इशू नहीं, सिर्फ आपके अंदर जॉब सर्चिंग स्किल्स होनी चाहिए। हाँ आप ये बोल सकते हैं कि किस प्रोविंस में विदाउट मनी आसानी से जॉब मिल जाती है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे देसी लोग ज्यादा हैं वहाँ पे जो है ना पैसे लेते हैं लोग और फिर आपको वो जो है ना LMI मिलता है, ठीक है। अब आप ट्रक की बात कर रहे हैं तो अगर आप ओंटारियो में आएंगे तो यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, अल्बर्टा या उधर चले जाए ब्रिटिश कोलंबिया या वहाँ पे आपको पैसों के बगैर भी LMI मिल जाएगा। ये थोड़ी सी रिसर्च कर लें, देसी लोग जो है देसी कंपनियों से थोड़ा दूर रहें अगर आप फ्री LMI चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी देसी कंपनीज भी मैंने देखी हैं कि जहाँ पे बहुत थोड़े से पैसों में आपका काम हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी अभी मैं इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपने फ्री LMI कैनेडा आके लेना, स्पेशली ये जो ट्रकिंग का LMI है। ये तो आज के क्वेश्चन, मजीद आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।